causes and reasons. Thank you.
आई थिंक एक वायर खींच रहा है, जस्ट इंश्योर दैट इट्स गेटिंग यूज फ्रॉम हियर. ओके बैठ जाइए बैठ जाइए. खाली बाजू चलो. ओके खाली हाँ जी सुमित पूछ रहा है क्वेश्चन. ऑफिस में आ गया. मैडम बहुत बहुत स्वागत ये अंधेरी के राजा में. यहीं पे क्यों चुना आपने और गणपति के छठे दिन आने? गणपति जी के दर्शन मैं फर्स्ट डे से ही कर रही हूँ. मेरे घर में भी गणपति रहता है, हम सवा दिन का रखते हैं, लेकिन हम वही जो जैसे इमोशन जिसे कहते हैं हम सी वगैरह में नहीं लेके जाते हैं, हम अपने घर में ही करते हैं, तो थोड़ा इको फ्रेंडली मामला है. लेकिन जहाँ तक कि अंधेरी जा राजा का है, क्योंकि एनिवर्सरी है, क्योंकि ये 50वां साल चल रहा है, ये गोल्डन जुबली है, तो इसलिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि इतने सालों से मैं नहीं आई थी और पहली बार आई हूँ, और बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है कि इनके गोल्डन जुबली में मुझे न्योता दिया गया है और मैं आई हूँ. मैं बहुत खुश हूँ और मैं समझती हूँ ये मेरे लिए एक स्पेशल आशीर्वाद होगा. रवीना आप एक अभिनेत्री भी हैं, अभिनेत्री और मिठाई थोड़ा अजीब सा लगता है ना? मैं तो बोलती हूँ, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका एसोसिएशन लड्डू के साथ क्या था, ऐसे जिंदगी भर मुझे लोगों ने लड्डू बुलाया है, तो अभी वो एसोसिएशन तो जुड़ा हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है. लेकिन जहाँ तक अभिनेत्री और मिठाइयों का सवाल है, हाँ ज़रूर थोड़ा वो करियर वाइज रॉन्ग मूव है, लेकिन फ़ायदेमंद ये है कि जिस कारण हम आज यहाँ आए भी हैं, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ये सबसे बड़ा यू नो दुनिया का लड्डू जो आज बना है, वो कर्टिसी आई शक्ति टाटा बेसन की तरफ से बना हुआ है, क्योंकि इनका जो बेसन है वो थोड़ा लाइट है. हम जो अपने कैलोरीज काउंट करते हैं हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालना पड़ता है, बहुत जल्दी से फ्राई हो जाता है, तो एक अच्छी चीज़ है. मैं तो ज़रूर बाद में खाने वाली हूँ. मैं आप लोग सबको इनवाइट करती हूँ, आप लोग भी आके फिर प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें. रवीना आप इतनी स्वादिष्ट दिखती हैं, इतनी स्वादिष्ट लड्डू भी बनाती हैं आप? जी हाँ, लेकिन लड्डू से ज़्यादा मेरा फेवरेट डिश जो मुझे बहुत पसंदीदा है, मेरा भी फेवरेट है, और मैं बहुत अच्छी तरह बनाती भी हूँ. नेक्स्ट टाइम सुमित आपको भी बुलाऊंगी और आप सबको भी बुलाऊंगी. मैं गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनाती हूँ, तो अभी आप लोग कुछ उसके लिए निकालिए, कुछ स्पेशल मावा वगैरह है ना, क्योंकि बहुत बहुत ज़रूरत है उसकी. गणपति जी से जुड़ी याद आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कि आज आप उनके द्वार पर हैं? बचपन से जुड़ी यादें हैं, जब हम बहुत छोटे थे एक सोसाइटी में रहा करते थे, पापा का फ्लैट वहाँ था, और वहाँ से जब से बच्चे थे हम लोग गणपति जी के दर्शन कर रहे हैं, और गणेश चतुर्थी के समय हम पूजा करते थे और जू भी जाया करते थे, उनको ठेले में लेके जब ठेले में हम लोग सब बच्चे बैठ जाते थे और वहाँ जू बीज ले जाते थे हम लोग उनको दरिया में समर्पित करने, तो वो जो यादें हैं वो बचपन की यादें वो बहुत ही खूबसूरत है. एंड आई थिंक एक जो माहौल बन जाता है गणपति जी के दौरान, वो एक अपने आप में ही एक मन को शांति देने वाला माहौल होता है. यहाँ के कोई इस बार आपने क्या मांगा है मैम के लिए? मैंने मांगा है, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊँ? आप हॉट मैसेज भेजोगे ऊपर रवीना जी मांगे, वो तो कर लो यार, वो कंप्लीट कर लेना. इट विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस. आप लोग सब हैं इधर. सी हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहला ये है कि हम वी वॉन्टेड टू डू समथिंग स्पेशल. दिस गणपति माहौल ही ऐसा है कि उत्सव का पूरा माहौल है, एंड अंधेरी चा राजा में हम लोग करना चाह रहे थे कि जो भेंट देना चाह रहे थे, तो उसके ऊपर हम लोगों ने सोचा कि हु कैन ब्रिंग एंड वी डोंट वांट लड्डू जैसी कौन दिखती है, नॉट लाइक दैट, बट रियली समवन हु इज फेमस हु कैन रियली टॉक अबाउट दिस, बिकॉज शी इज योर हेल्थ कॉन्शियस पर्सन, वी नो दैट. एंड सबसे Fantastic. Yeah. They'll keep that clipping. So, no, that's okay. Any
Any other questions? See, I also want, I mean, she is a fantastic person, and that's why when we approached her, she was very ready. And I think it's important for us to also know that this is not just another laddu. She's inaugurating the world's biggest laddu. Ye Guinness Book of World Records mein jayega. Iska Tata Ai Shakti low absorb basin se bana hai, isliye healthy bhi hai. And iska total weight jo hai 8,645 kilos hai. So aaj tak kisi ne is scale mein attempt nahi kiya. पांच दिन लगा है हमको इसको असेंबल करने में एंड यू नो द वेदर कंडीशंस इन बॉम्बे आल्सो व्हेन वी हैव टू कीप इट हाइजीनिक एंड एंड हेल्दी सो द एंड दैट्स व्हाई आई थिंक वी नीड अ स्पेशल पर्सन टू आल्सो इनोग्रेट थैंक यू सो मच लेकिन आपकी आवाज में गणपति बप्पा का जयकारा नहीं है मैंने बोला ना इनोग्रेट लेकिन सबको बोलना पड़ेगा साथ में आप लोग भी कैमरा भी जो पकड़े हुए अग्रीड चलो गणपति बप्पा मोरया गणपति बप्पा मोरया पूरा कंप्लीट करो एक दो तीन चार गणपति का जय जयकार पाँच छह सात आठ गणपति हमारे साथ गणपति पापा मोरिया थैंक यू माइक
फर्स्ट डे से ही कर रही हूँ. मेरे घर में भी गणपति रहता है, हम सवा दिन का रखते हैं, लेकिन हम वहीं जो जैसे इमोशन जैसे कहते हैं, हम सी वगैरह में नहीं लेके जाते हैं, हम अपने घर में ही करते हैं, तो थोड़ा इको फ्रेंडली मामला है. लेकिन जहाँ तक कि अंधेरी जा राजा का है, उनकी एनिवर्सरी है, क्योंकि ये 50वां साल चल रहा है, ये गोल्डन जुबली है, तो इसलिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि इतने सालों से मैं नहीं आई थी और पहली बार आई हूँ, और बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है कि इनके गोल्डन जुबली में मुझे न्योता दिया गया है और मैं आई हूँ. मैं बहुत खुश हूँ और मैं समझती हूँ ये मेरे लिए एक स्पेशल आशीर्वाद होगा. रवीना, आप एक अभिनेत्री भी हैं, अभिनेत्री और मिठाई थोड़ा अजीब सा लगता है ना? मैं तो बोलती हूँ, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका एसोसिएशन लड्डू के साथ क्या था, ऐसे जिंदगी भर मुझे लोगों ने लड्डू बुलाया है, तो अभी वो एसोसिएशन तो जुड़ा हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है. लेकिन जहाँ तक अभिनेत्री और मिठाइयों का सवाल है, हाँ ज़रूर थोड़ा वो करियर वाइज रॉन्ग मूव है, लेकिन फ़ायदेमंद ये है कि जिस कारण हम आज यहाँ आए भी हैं, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ये सबसे बड़ा यू नो दुनिया का लड्डू जो आज बना है, वो कर्टसी आई शक्ति टाटा बेसन की तरफ से बना हुआ है, क्योंकि इनका जो बेसन है वो थोड़ा लाइट है. हम जो अपने कैलोरीज काउंट करते हैं, हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालना पड़ता है, बहुत जल्दी से फ्राई हो जाता है, तो एक अच्छी चीज़ है. मैं तो ज़रूर बाद में खाने वाली हूँ. मैं आप लोग सबको इनवाइट करती हूँ, आप लोग भी आके फिर प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें. रवीना, आप इतनी स्वादिष्ट दिखती हैं, इतने स्वादिष्ट लड्डू भी बनाती हैं आप? जी हाँ, लेकिन लड्डू से ज़्यादा मेरा फेवरेट डिश जो मुझे बहुत पसंदीदा है, मेरा भी फेवरेट है, और मैं बहुत अच्छी तरह बनाती भी हूँ. नेक्स्ट टाइम सुमित आपको भी बुलाऊंगी और आप सबको भी बुलाऊंगी. मैं गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनाती हूँ, तो अभी आप लोग कुछ उसके लिए निकालिए, कुछ स्पेशल मावा वगैरह है ना, ये बहुत बहुत ज़रूरत है उसकी. गणपति से कोई जुड़ी याद आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि आज आप उनके द्वार पर हैं. बचपन से जुड़ी यादें हैं, जब हम बहुत छोटे थे, एक सोसाइटी में रहा करते थे, पापा का फ्लैट वहाँ था, और वहाँ से जब से बच्चे थे हम लोग गणपति जी के दर्शन कर रहे हैं, और गणेश चतुर्थी के समय हम पूजा करते थे, और जू भी जाया करते थे, उनको ठेले में लेके, जब जी ठेले में हम लोग सब बच्चे बैठ जाते थे और वहाँ जू भी ले जाते थे हम लोग उनको दरिया में समर्पित करने, तो वो जो यादें हैं, वो बचपन की यादें, वो बहुत ही खूबसूरत है. एंड आई थिंक एक जो माहौल बन जाता है गणपति जी के दौरान, वो एक अपने आप में ही एक मन को शांति देने वाला माहौल होता है. यहाँ के कोई इनके भी हैं कौन है? इस बार आपने क्या मांगा है मैम स्पेशल गणपति जी के अपने लिए? मैंने मांगा है, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊँ? आप हॉट मैसेज भेजोगे ऊपर कि रवीना जी ने मांगा है, वो तो कर लो यार, वो कंप्लीट कर लेना. हाँ जी, तो हम लोग इट विल डेफिनेटली मेक ए डिफरेंस, आप लोग सब हैं इधर. सी, हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहला ये है कि हम वी वांटेड टू डू समथिंग स्पेशल दिस गणपति. माहौल ही ऐसा है कि उत्सव का पूरा माहौल है, एंड अंधेरीचा राजा में हम लोग करना चाह रहे थे कि जो भेंट देना चाह रहे थे, और उसके ऊपर हम लोगों ने सोचा कि हुम कैन वी ब्रिंग हियर, एंड वी डिडंट वांट लड्डू जैसे कौन दिखती है, नॉट लाइक दैट, बट रियली समवन हु इज फेमस, हु कैन रियली टॉक अबाउट दिस, बिकॉज शी इज योर हेल्थ कॉन्शियस पर्सन, वी नो दैट. एंड सबसे It's important for us to also know that this is not just another laddu. She is inaugurating the world's biggest laddu. ये Guinness Book of World Records में जाएगा. इसका टाटा आई शक्ति लो अब्जॉर्ब बेसन से बना, इसलिए हेल्दी भी है, एंड इसका टोटल वेट जो है 8,645 किलोज है. तो आज तक किसी ने इस स्केल में अटैम्प्ट नहीं किया. इफ यू कैन सी द हाइट इटसेल्फ, इट्स ओवर 6 फीट. सो रवीना जी बोल रहे हैं लड्डू कहाँ है, सबसे पहले सीखी चाली वेर इज अ लड्डू, आई सेड यू हैव टू गो अप द स्टेयर्स एंड पिक द लड्डू. सो इसलिए दिस इज नॉट जस्ट अनदर लड्डू, दिस इज वन ऑफ द बिग अटेम्प्ट्स दैट वी हैव मेड. देयर वर अबाउट 42 पीपल, वैलीज लोगों ने एक्चुअली मिलकर बनाया है ये लड्डू. 5 दिन लगा है हमको असेंबल करने में, एंड यू नो द वेदर कंडीशंस इन बॉम्बे ऑल्सो, एंड वी हैव टू कीप इट हाइजीनिक एंड हेल्दी. सो द एंड दैट्स व्हाई आई थिंक वी नीड अ स्पेशल पर्सन टू ऑल्सो इनॉग्रेट. थैंक यू सो मच. मैंने बोला ना इनॉग्रेशन क्लोजिंग अच्छी होगी, लेकिन सबको बोलना पड़ेगा साथ में, आप लोग भी कैमरा भी जो पकड़े हुए. अग्रीड? चलो, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया.